हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टेलीवुड अपडेट्स। तो गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है, कुमकुम भाग्य लीप लेने वाला है। मैंने इस पर ऑलरेडी अभी रिसेंटली डिटेल्स इस पर डाली थी, अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो इसी के लीप पे और डिटेल्स मैं लेके आया हूँ, नई एंट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले बात करते हैं पूजा बनर्जी के बारे में, जो कि कुमकुम भाग्य में अभी और प्रज्ञा की डॉटर का रोल प्ले करती हैं। तो गाइज, उनका ये कहना है कि वो काफ़ी ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हैं कुमकुम भाग्य के लीप को, और क्रिएटिव टीम ने उनको ये कहा है कि उनका जो करैक्टर है वो बहुत ही अच्छी तरह से आएगा और उनके करैक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। उनका ये कहना है कि आप उनके करैक्टर को उनका 2.0 अवतार भी कह सकते हैं। उनके करैक्टर में काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा लेयर्स आपको देखने को मिलेंगी, और पूजा बनर्जी पूरी तरह से सेटिस्फाइड हैं अपने करैक्टर के साथ, जैसा कि लीप के बाद बनेगा। और वो कहती हैं कि मेकर्स ने उनको कहा है कि काफ़ी अच्छी तरह से टर्न आउट होगा उनका करेक्टर। तो गाइज, अब अगर लीप आएगा शो में तो कुछ नई एंट्रीज भी हमें ज़रूर देखने को मिलेंगी। तो पहली नई एंट्री की बात करें तो अमित लोहिया शो को एंटर करने वाले हैं। लीप के बाद आपको देखने को मिलेगा उनका करेक्टर काफ़ी ज़्यादा कुमकुम भाग्य में, वन ऑफ द मेन करेक्टर्स होंगे लीप के अभी बाद, जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और उनका करेक्टर जो है अभी का दोस्त होगा, अभी के दोस्त का रोल वो प्ले करने वाले हैं। अब वो पॉजिटिव रोल होगा या फिर नेगेटिव रोल होगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन उनका करेक्टर हम काफ़ी देखने को मिलने वाला है आपको लीप के बाद। कौन सी शेड्स होंगे उनके करेक्टर पे अभी उन पर डिटेल्स नहीं है, लेकिन उनकी एंट्री काफ़ी ज़्यादा फ्रेश नए ट्विस्ट लाएगी कुमकुम भाग्य में लीप के बाद। वैसे अमित लोहिया रिसेंटली बालवी रिटर्न्स में देखे गए थे। अब दूसरी नई एंट्री की बात करें तो डॉली सोही शो को एंटर करने वाली हैं। रिसेंटली वो अम्मा के बाबू की बेबी, जो कि स्टार भारत का शो है, उस पर देखी गई थी, और वो कुमकुम भाग्य में लीप के बाद देखी जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा पावरफुल करेक्टर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्टर उनका होने वाला है, और काफ़ी मेन करेक्टर्स में से एक उनका जो है करेक्टर होने वाला है। उनका करेक्टर किस तरह का होगा, तो वैसे श्रीति झा यानी कि जो प्रज्ञा का करेक्टर है उनकी मेंटर या फिर गाइड का रोल प्ले करने वाली हैं डॉली सोही। काफ़ी ज़्यादा मॉरल सपोर्ट देने वाली हैं वो प्रज्ञा के करेक्टर को, और प्रज्ञा के करेक्टर काफ़ी ज़्यादा लाइफ लेसन लेने वाला है डॉली सोही के करेक्टर से। अभी इनके करेक्टर पे यही डिटेल है, लेकिन इनके करेक्टर का नाम वगैरह नहीं पता, लेकिन इतना पता है लीप के बाद देखने को मिलेंगी और इनका करेक्टर प्रज्ञा से कनेक्टेड होगा, उनके डीप उनके मेंटर वगैरह ऐसा रोल इनका होने वाला है इस सीरियल में। तो गाइस, अब बात कर लें अभी और प्रज्ञा के बारे में कि उनकी सेपरेशन होगी या फिर नहीं, तो फिलहाल के लिए उस पर कोई भी क्लैरिटी या फिर कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन चांसेस हाई हैं कि लीप के बाद आपको फिर से इनकी सेपरेशन वगैरह देखने को मिले। एनीवेज, काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या अभी और तनु की शादी हो जाएगी, क्या लीप के बाद हुई होगी, तो गाइस उस पर भी मेरे पास डिटेल्स नहीं है। आई मीन चांसेस तो ज़रूर है, मेकर्स ये कंसिडर कर रहे थे कि इस तरह की स्टोरी लाइन के साथ वो आगे जाएँ लीप में, कि अभी और तनु की वेडिंग हो गई और बाद में इनकी सेपरेशन हो जाए, लेकिन उस पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि वो इसी स्टोरी लाइन के साथ मूव फॉरवर्ड किए हैं या फिर उन्होंने लीप के लिए कुछ अलग तरह की कहानी प्लान की है। वो तो आपको देखने को मिलेगा मिड जून में, कुछ हफ्तों बाद शायद, या फिर कुछ दिनों बाद, जब भी लीप आपको टीवी पर देखने को मिलेगा। और पहले मैंने आपको कहा था कि लीप काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो सकता है 10 साल वगैरह का, लेकिन मैंने रिसेंट वीडियो में फिर बता दिया था कि इतना बड़ा नहीं होने वाला। अब क्लैरिटी जब हमारे पास आ गई है कि 2 साल का हो सकता है लीप, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं बोलूँ तो 5 साल का होगा। वैसे मेरे हिसाब से 2 या 3 साल का लीप होने वाला है, जो कि आपको इस कुमकुम भाग्य में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर लोग लीप के साथ खुश नहीं है, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा लोग कह रहे थे फिर से लीप लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन देखते हैं। कास्ट तो यही सोच रही है कि कास्ट और क्रू यही सोच रहे हैं कि लीप जो है लोगों को पसंद आएगा। अब देखते हैं ऑडियंस के क्या रिएक्शंस होंगे, आपको क्या लगता है टीआरपी बढ़ेगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप एक्साइटेड हैं नहीं। लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए कुमकुम भाग्य के फैंस के साथ। कुमकुम भाग्य के सारे लेटेस्ट लीप पे डिटेल्स के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन उसको दबा दीजिए, ताकि कुमकुम भाग्य पे सारी लेटेस्ट न्यूज़ आप तक पहुँचती रहे, आप कुछ भी अपडेट मिस ना करें, और जी टीवी की सारी न्यूज़ भी आप तक पहुँचती रहे। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।